आज के इस सेशन में थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पार्ट 4 लेक्चर 4 लेकर के आया हूं। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिस थ्योरी को सबसे सटीक थ्योरी कही जाती है आज की। अब ये थ्योरी किसी एक इंडिविजुअल को इसका क्रेडिट नहीं जाता, कई वैज्ञानिकों ने मिल करके इस थ्योरी को अंजाम दिया है और ये थ्योरी आज की डेट में सबसे ज्यादा सटीक है। यानी कि जो एक्चुअल थ्योरी है वो सिंथेटिक थ्योरी है, वो कोई नेचुरल थ्योरी नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक थ्योरी एंड नेचुरल थ्योरी? देखिए बच्चों, नेचुरल थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी एग्जाम्पल नेचर में मिले अगर उनको स्टडी करके कोई थ्योरी दी जाती है तो वो नेचुरल थ्योरी होती है। लेकिन सिंथेटिक थ्योरी वो होती है जिस थ्योरी के लिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, और वो मॉडल जरूरी नहीं है कि रियल एनिमल्स को बेस करके बनाया जाए। वो मॉडल्स हाइपोथेटिकल हो सकते हैं लेकिन उनका नेचर में एप्लीकेशन है, उनका नेचर में रोल है, तो इन थ्योरीज को सिंथेटिक थ्योरी का नाम दिया जाता है। सिंथेटिक थ्योरी इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर से एग्जाम्पल ना लेकर के कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को भी एजम्पशन के तौर पर लेकर के समझा जाता है। मसलन क्या है वो assumptions, उन सब के बारे में आज की इस थ्योरी में हम जानने जा रहे हैं। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी काफी बड़ी है, कोशिश करूंगा जितना आज के सेशन में कंप्लीट हो सके, और जो रह जाएगा वो अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को समझना और पूरा डिटेल में समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के अपने सेशन को। स्वागत है सारे के सारे बच्चों का जो इस वक्त सेशन में आए हुए हैं। For all those students जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, my name is Pradeep Singh, my educational qualifications, years of experience, number of students taught, everything is in front of you, और ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। तो मेरे सेशंस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #NEETLiveDaily के थ्रू शेयर भी कर दिया करें ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। चलिए बच्चों बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद गो टू ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे आप इस विंडो के साथ जुड़ जाएंगे। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अपने सेशन से रिलेटेड। एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/neet, इस फीचर के थ्रू आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स हमने लिए उनकी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाती है। तो देख लीजिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है livedaily.me/neet के द्वारा। एक और बेहतरीन बात आपको बताने जा रहा हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा यू कैन इंटरेक्ट विद अस सेशंस के दौरान, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, इनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करते रहते हैं। टेस्ट सीरीज एनालिसिस से परफॉर्मेंस आप इंप्रूव करते हैं। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि आफ्टर एवरी 3 लेक्चर होता है, एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वहां अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को और उम्दा करें, तो ये बेहतरीन टीम आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में कामयाब होगी। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करिए, नीट यूजी क्लिक कर दीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा जहां पर आप अपने जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है, क्योंकि यहां पर आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और आप कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए कवर्ड रहते हैं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। और साथ ही पूरी की पूरी टीम अनअकैडमी नीट यूजी प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सारे एजुकेटर्स के बैचेस के साथ आप जुड़ जाते हैं, यानी कि सबके कोर्सेज में जुड़ जाते हैं, बैचेस में जुड़ जाते हैं, ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं, एंड एवरी वन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और बात करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की। एक बार क्विकली देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे आए हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में कुछ कुछ आप जानते थे, आपने लेमार्क की थ्योरी के बारे में भी पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में विशेष चीजें आपने नहीं पढ़ी है अब तक। यानी कि क्लास 10th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो था लेकिन कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन वहां नहीं मिली थी। आज के इस सेशन में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के ऊपर। ठीक है, मालतेश, फिजा, हेमंत,
नीतू, अमित, प्रिया, नफीस, फिजा, अबरार, अश्वनी, विकास, शिवांशु, कोमल, रुद्र, स्वागत है बच्चों आप सभी का, राइट। तो अमित, सूरज आ चुके हैं, एसआर गेमिंग, आप लोग इतने सारे हार्ट्स भेज रहे हो एट ए टाइम एक साथ कि मैं सबके नाम भी नहीं देख पा रहा हूं। इतना जरूर कहूंगा, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अब एक चीज की छोटी सी रिक्वेस्ट, आज के सेशन में आपको चैट थोड़ा मिनिमम रखना है, आपको ध्यान से सुनना है चीजों के बारे में, तभी जाकर के ये चीजें एक बार में क्लियर हो पाएंगी, राइट। गुड इवनिंग है बच्चों सभी को, और चलिए शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक को आज के। ये देखिए, शुरुआत करते हैं डार्विन की फिंचेस से, जो किस तरह से मेनलैंड से जाकर के आइलैंड में पहुंचती हैं, और उन आइलैंड्स में फिर उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसको हम एडाप्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन के द्वारा इनका फैलाव अलग अलग इलाके में हुआ, उसी आइलैंड में, अलग अलग इलाकों में, और फूड हैबिट के हिसाब से इनकी जो बीक्स थी, इनकी जो चोंच है, उनमें परिवर्तन आए। इसको कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस। तो कहानी वहीं से शुरू होती है बच्चों, चाहे हम जिस थ्योरी की बात करें, डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, और डार्विन ने जिन चीजों की तरफ इशारा किया था वो चीजें बड़ी काम की हैं, राइट। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे नियो लैमार्किज्म को कुछ कुछ तवज्जो दी जा रही, वैसे नियो डार्विनिज्म भी है। तो डार्विन की जो खामियां थी, जो दो चार चीजें डार्विन ने सही नहीं कही, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज्यादा टूल्स नहीं होते थे, तो उनको हर चीज पता होगी ये गारंटी नहीं है। तो नियो डार्विनिज्म में उन त्रुटियों को, उन डिफेक्ट को साइड कर दिया गया और बात करी गई कि डार्विन के एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट। ये देख लीजिए डार्विन्स फिंचेस, आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब चलते हैं आज की थ्योरी के बारे में, समझते हैं चीजों को डिटेल में, ठीक है ना। डार्विन्स फिंचेस कोई सीड ईटिंग थी, कोई इंसेक्ट ईटिंग थी, राइट, कोई ग्रेन जमीन पर से खाते थे, कोई कुछ पेड़ों से खाते थे, तो अलग अलग कुछ फ्रूट के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से आपने अलग अलग तरीके से देखा हुआ है ना। बीएच स्वागत है, राखी वेलकम, अविनाश स्वागत है बच्चों आप सभी का। चलिए शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ध्यान दीजिए बच्चों, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यही थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हम इस थ्योरी के बारे में जानने जा रहे हैं, और इस थ्योरी से आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से बाकी जीवों का इवोल्यूशन हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाने वाली है इस थ्योरी के माध्यम से। चलिए, मेनी साइंटिस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहां अकेले चार्ल्स डार्विन के बस की बात नहीं थी, यहां अकेले लेमार्क के बस की बात नहीं थी, यहां अकेले ह्यूगो डी व्रेज के बस की बात नहीं थी, बहुत से साइंटिस्ट ने मिल करके इस थ्योरी को अंजाम दिया। देखिए, ह्यूगो डी व्रेज की म्यूटेशन थ्योरी को हमने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हमने कहा कि ह्यूगो डी व्रेज की म्यूटेशन थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी थ्योरी अगर आती है, कोई भी चीज 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन ह्यूगो डी व्रेज का सम्मान है क्योंकि उन्होंने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो म्यूटेशंस की बात करी उनका रोल है। तो लेट्स सी, थियोडोसियस डॉब्ज़ांस्की, ह्यूगो डी व्रेज, इनका योगदान है, जूलियन हक्सली एंड सिविल राइट का योगदान है, हार्डी एंड वेनबर्ग का योगदान है, आर ए फिशर एंड जेबीएस होल्डेन का योगदान है, अर्नस्ट मेयर एंड जीएल स्टेबिंस का योगदान है। अर्नस्ट मेयर का नाम एक चीज के लिए और जाना जाता है, इन्होंने स्पीशीज की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो अर्नस्ट मेयर ने दी थी, जिन्होंने रिप्रोडक्टिव वे में इसको बताया था कि भाई रिप्रोडक्टिवली जो है वो यूनिक होते हैं, यानी कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए इनकी द्वारा दी हुई थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। स्टेबिंस ने अपनी बुक में एक किताब लिखी थी, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बॉटनिस्ट थे स्टेबिंस, तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक किताब लिखी जिसमें सिंथेटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जहां पर बात करी गई सिंथेटिक थ्योरी के बारे में, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या मत दिए पहले उनको जानते चलते हैं। डॉब्ज़ांस्की ने एक किताब लिखी, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस किताब में उन्होंने ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन के ऊपर जो वर्क किया था उस वर्क का जिक्र किया। डॉब्ज़ांस्की की यह किताब बड़े काम की है, और इस किताब में इन्होंने कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी, जैसे कि इन्होंने कहा
कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। इनका कहना था कि बायोलॉजी में कोई भी चीज का कोई भी महत्व नहीं है अगर इवोल्यूशन प्रोसेस को नकार दिया जाए, यानी कि इवोल्यूशन एक की फैक्टर है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, राइट? तो इवोल्यूशन बायोलॉजी में इवोल्यूशन की अगर हम चर्चा ना करें तो चीजें अधूरी रह जाती हैं। मसलन बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, मान लीजिए बात करते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करें या एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो आज के जो प्लांट हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन जो प्लांट पहले पाए जाते थे जिनके कॉमन एंसेस्ट्री हैं, यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब तक आप इंक्लूड नहीं करते तो अपने आप में ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? तो ये तो थी डॉब्जांस्की की बात। अब बात करते हैं ह्यूगो डी व्रेज। ह्यूगो डी व्रेज ने एक किताब लिखी द म्यूटेशन थ्योरी। इस म्यूटेशन थ्योरी नामक किताब में ह्यूगो डी व्रेज ने म्यूटेशंस के ऊपर बड़ा जोर दिया, सिंगल स्टेप लार्ज इवेंट, है ना, इस तरह के म्यूटेशंस की बात करी, जिनको सॉल्टेशन थ्योरी की बात करी। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रेज म्यूटेशन ही कारक होते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस के, यानी कि सडन एब्रप्ट चेंज ही म्यूटेशन जिसको कहते हैं वही इवोल्यूशन को ला सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं ला सकता। तो ये बात उतनी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जूलियन हक्सली ने एक किताब लिखी इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस। तो जूलियन हक्सली ने भी इस थ्योरी के ऊपर, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के ऊपर काफी जोर डाला, ठीक है? अब ये सारी किताबें एक ही चीज की तरफ इशारा करती थी, और वो चीजें क्या है जो उनका निचोड़ है, जो सिंथेटिक थ्योरी का मेन क्रक्स है उसको समझते हैं। जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, सबने एक ही चीज की तरफ इशारा किया कि भाई जेनेटिक वेरिएशन होना चाहिए पॉपुलेशन में, तभी जा करके कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं। जेनेटिक वेरिएशन बहुत जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो नाउ ध्यान दीजिए, इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स एंड नॉट इट्स इंडिविजुअल मेंबर। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस लाइन को मार्क कीजिए। इवोल्यूशन किसी एक इंसान का नहीं होता, इवोल्यूशन किसी एक प्राणी का नहीं होता, इवोल्यूशन किसी एक इंडिविजुअल मेंबर का नहीं होता, इवोल्यूशन होता है पूरे के पूरे पॉपुलेशन का। यानी कि अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो हमारे रेस का इवोल्यूशन, हम तो जैसे आने थे हम आ चुके, अब हम में इवोल्यूशन नहीं होगा। हम हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं बच्चों वो इवोल्यूशनरी फेज में नहीं है, वो हमारा अपना डेवलपमेंट है। हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, हमने कुछ नई स्किल सीख ली, वो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है, लेकिन इवोल्यूशनरी स्केल में हमारा कोई डेवलपमेंट वो काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अगली जनरेशन को हम ऑटोमेटिकली नहीं ट्रांसफर कर सकते, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसफर होता क्या है? हमारा जीन्स, हमारा जो जीनोटाइप है, हमारी जो जेनेटिक्स है, वही ट्रांसफर होती है। तो यानी कि इंडिविजुअल का रोल क्या रह जाता है? सो द इंडिविजुअल्स रोल इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज टू पास इट्स जेनेटिक वेरिएशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। सीधी सी बात है, एक इंडिविजुअल का रोल सिर्फ इतना ही है कि आप जेनेटिक वेरिएशन को पास कर दीजिए। अब वेरिएशन कैसा हुआ नहीं हुआ वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा, एक इंडिविजुअल के हिसाब से डिसाइड नहीं हो पाता। नाउ इवोल्यूशन ऑकर्स थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक जो जेनेटिक वेरिएशन एक्यूमुलेट होते रहते हैं इन्हीं से इवोल्यूशन आता है। ये तो जो थ्योरी हमने बात करी ये अभी बड़ी वेग सी थ्योरीज हैं, यानी कि इनमें जब तक स्पेसिफिकली कोई हम एग्जांपल नहीं देंगे आपकी समझ में थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि ये तो आप पहले से सुनते हैं कि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आते हैं। किस तरह से आते हैं वो चलिए समझते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बातों को। नाउ ध्यान दीजिए, वेरिएशन आता कैसे है? सो द चेंज इन जीन अकर्स इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे जीन्स में चेंज आ सकते हैं? म्यूटेशन के द्वारा आ सकते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन के द्वारा आ सकते हैं, जीन माइग्रेशन के द्वारा आ सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा आ सकते हैं, नॉन रैंडम मेटिंग के द्वारा आ सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आ सकते हैं। इन एक एक पॉइंट्स का जब हम विश्लेषण करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। म्यूटेशन, म्यूटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। म्यूटेशन, जो भी म्यूटेशन हो जाता है वो पॉपुलेशन में रहता है और आगे चल के वो वेरिएशंस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो म्यूटेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जीन रिकॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जीन माइग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, और नॉन रैंडम मेटिंग, यानी कि कोई चोजन हिसाब ना हो कि जो मेटिंग का प्रोसेस है वो नॉन रैंडम होना चाहिए। एक पॉपुलेशन में मेटिंग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए,
और फिर हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाते हैं नेचर में। अब ध्यान दीजिए, म्यूटेशन तो एक पॉइंट हुआ ना, जो ह्यूगो डी ब्रेज ने म्यूटेशन की बात कही, वो म्यूटेशन तो एक ही पॉइंट है, लेकिन इतनी सारी जो पॉइंट है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और इसमें से देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है बच्चों, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस मेंडल के वर्क से हमें पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी गेमीट का फ्यूजन होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि म्यूटेशन की तो आवश्यकता ही नहीं है, चेंजेस तो स्लोली आ ही रहे हैं। यहां पर डार्विन सही हुए कि नहीं हुए? स्लोली चेंजेस तो एक्यूमुलेट हो ही रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस, म्यूटेशन हो या ना हो चेंजेस तो आ ही रहे ना, वेरिएशंस तो आ ही रहे हैं, और फिर नॉन रैंडम मेटिंग से भी वेरिएशंस बढ़ते हैं। अब अगर मेटिंग के प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वेरिएशंस कम होते हैं, मेटिंग के प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वेरिएशंस कम होते हैं, उसी पॉपुलेशन में रहते हैं। हमने वर्ल्ड में कई ऐसी कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा है कि जिनके अंदर आपस में ही मेटिंग प्रोसेसेस होते थे, मैरिजेस होती थी, वो बाहर के किसी के साथ नहीं मिक्स होते थे, उनमें बहुत तरह की जेनेटिक डिजीजेस प्रोड्यूस होती थी और उन्हीं के बीच में रहती थी, वो स्प्रेड आउट नहीं करती थी। तो कहने का मतलब है वहां से इवोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई हार्मफुल जीन तो पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है। कुछ कुछ समझ में आ रहा? अब एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं। म्यूटेशंस आ गए जी, ह्यूगो डी ब्रेज। ह्यूगो डी ब्रेज को 100% नकारना गलत है, क्योंकि ह्यूगो डी ब्रेज ने सबसे पहले म्यूटेशंस की बात करी और वो म्यूटेशंस बड़े काम के होते हैं, म्यूटेशन का भी रोल है। मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि सिर्फ ये कहना कि म्यूटेशन का ही रोल है गलत है, म्यूटेशन का भी रोल है, ठीक है। म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशंस आर सडन हेरिटेबल चेंजेस, अचानक से होने वाले बदलाव जो इनहेरिटेड होते हैं, जिनको इनहेरिट किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट करते हैं। लेकिन ह्यूगो डी ब्रेज जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी की बात करी, ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन दैट कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। इन्होंने नकार दिया डार्विन की बात को, इनका कहना था कि इवोल्यूशन के लिए सिर्फ म्यूटेशंस आवश्यक हैं, छोटे छोटे वेरिएशन से कहीं कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे वेरिएशन से कुछ नहीं होता, ये इन्होंने कहा। लेकिन म्यूटेशन के बारे में जो बात कही 100% सही नहीं है, लेकिन म्यूटेशन का होना बड़ा लाजमी है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, आप ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअली चलता रहता क्रम, वाइल ह्यूगो डी ब्रेज ने कहा कि म्यूटेशन कॉजेज स्पीशिएशन। ह्यूगो डी ब्रेज ने कहा भाई जब तक म्यूटेशन नहीं होगा नई स्पीशीज नहीं आ सकती, लेकिन डार्विन ने कहा कि ग्रेजुअल। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी डार्विनिज्म को ज्यादा सपोर्ट करती है इस क्रम में, क्योंकि ग्रेजुअल चेंजेस से ही इवोल्यूशन आता है, म्यूटेशन बीच बीच में होते जरूर हैं, लेकिन म्यूटेशन को 100% रोल नहीं दिया जा सकता। म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, म्यूटेशन के ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, यानी कि नॉट इन इवोल्यूशन चैप्टर, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में पढ़ लिए। क्रोमोजोमल म्यूटेशन होते हैं जिसमें पूरे के पूरे क्रोमोजोम में या तो कुछ एक्स्ट्रा आ गया या कुछ चेंज हो गया, कुछ डिलीट हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर जीन म्यूटेशन हो सकते हैं जिनको मेंडेलियन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने क्रोमोसोम के बारे में कोई चर्चा करी नहीं थी, मेंडल ने फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करी थी जो जीन के रूप में आज की डेट में अवस्थित हैं। मेंडल के वर्क को भी आपको ध्यान में रखना है, सीधी सी बात है। अब देखिए बच्चों, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई पोर्शन डुप्लीकेट हो गया क्रोमोसोम का, जीन एक्स्ट्रा हो गए, इन्वर्जन हो सकता है, इन्वर्ट एक दूसरे के साथ इन्वर्ट कंडीशन में आ गया, डिलीशन हो सकता है, रिमूव हो गया क्रोमोसोम का पार्ट, इंसर्शन हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट किसी और क्रोमोसोम से आकर के कहीं चिपक सकता है, या फिर ट्रांसलोकेशन हो सकता है, एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम में जाकर के पॉइंट का आपस में मिल जाना। इन पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। जीन म्यूटेशंस को समझ लेते हैं। व्हेन द चेंजेस इन जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ड्यू टू एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन और इन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दीज आर कॉल्ड जीन म्यूटेशन। जब सिर्फ न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके साथ जो चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, क्योंकि वहां पर जीन का इफेक्ट होता है, पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें जीन म्यूटेशन में कभी कभी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाते हैं, इन म्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन म्यूटेशन वेरीज फ्रॉम जीन टू जीन। अब इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन की, ये भी वेरी करेगी जीन टू जीन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी होता है, किस ज्यादा कौन कौन सी जीन एक्सपोज्ड हैं, किस किस केमिकल से एक्सपोज्ड हैं जिनमें म्यूटेशन हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है, यानी कि हर एक जीन में म्यूटेशन होने की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है।
खैर आप इतना तो समझ ही चुके कि क्रोमोसोम म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दो मेजर टाइप के म्यूटेशन। नाउ रेट ऑफ जीन म्यूटेशन, रेट जिस रफ्तार से म्यूटेशन होता है, रेट ऑफ जीन म्यूटेशन इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एंड सर्टेन केमिकल कॉल्ड म्यूटाजेन। हम इन म्यूटाजेंस के बारे में भी बात कर चुके हैं, अगर इनका प्रेजेंस है तो रेट ऑफ जीन म्यूटेशन फास्टर होगा। म्यूटेटेड जीन एड न्यू एलील टू द जीन पूल, कोई भी जीन अगर म्यूटेटेड हो गई तो वो एक नए किस्म की एलील को एड कर देगी जीन पूल में। जीन पूल क्या है, पूरे के पूरे पॉपुलेशन में जो जीन्स विद्यमान है उनके इंडिविजुअल मेंबर्स के द्वारा, वही है जीन पूल। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन 100,000 लोगों की है तो 100,000 लोगों में अलग अलग सबके अंदर जीन है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तो वो जीन पूल ज्यादा बड़ा हो गया, और अगर छोटा है पॉपुलेशन तो जीन पूल स्मॉल हो गया। अब आप खुद ही बताइए बड़ा जीन पूल अच्छा है या स्मॉल जीन पूल अच्छा है। जाहिर सी बात है बड़ा जीन पूल अच्छा है, बड़े जीन पूल में वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, लेकिन बड़े जीन पूल में एक दिक्कत है, नई स्पीशीज के बनने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि जो भी एलील मिलते हैं वो सब आपस में मिक्स होते जाते हैं, यानी कि न्यू स्पीशिएशन में छोटे जीन पूल को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे बात को। नाउ ध्यान दीजिए, जीन म्यूटेशन से बात आती है जीन पूल की। जीन पूल क्या है, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट जीन एंड देयर एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो भी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग टाइप की एलील्स हैं, उन सब का टोटल सम जो है वो जीन पूल कहलाता है। इट इज द जीन पूल दैट इवॉल्व्स एज न्यू जीन। जीन पूल ही नए जीन की तरह इवॉल्व करता है। एलील्स आर एडेड और रिमूव्ड। इसी जीन पूल में नई नई एलील आ सकती है जा सकती है। देखिए बच्चों पॉपुलेशन, ये मेंढक की पॉपुलेशन है, इसके अंदर देखिए एक रेड वाला है एक पर्पल वाला। अब रेड और पर्पल मेंढक तो नहीं होते, जस्ट ये दिखाने के लिए कि उनमें वेरिएशंस हैं। तो जीन पूल में देखिए सारे आ गए, ये रेड वाले भी आ गए, ये पर्पल वाले भी आ गए, तो इनके जितने भी एलील्स हैं जो भी जीन है वो सब जीन पूल का हिस्सा है। राइट, आरजू, मलिक, प्रीति, प्रियंका, नफीस, जया, समझ में आ रही है बात कि जीन पूल का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन। अब एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं टाइगर के बारे में। अभी कुछ साल पहले हमारी कंट्री में एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई कि हमारे देश में बाघों की संख्या सिर्फ 1400 रह गई है। ओनली 1400 टाइगर्स वर लेफ्ट इन द वाइल्ड। कैप्टिविटी को छोड़ दीजिए, इन द वाइल्ड 1400 टाइगर्स वर देयर। ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न था साइंटिस्ट के लिए। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइगर्स को कैप्टिविटी में रखिए और मेटिंग करवाइए और खूब सारे टाइगर प्रोड्यूस कर लीजिए, किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाघों को पकड़ करके इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई जा सकती है कैप्टिविटी में और खूब सारे टाइगर हो जाएंगे। लेकिन वो टाइगर कैसे होंगे, वो उस छोटे से जीन पूल के मेंबर होंगे, यानी कि उनके अंदर वेरिएशंस बहुत लेस होंगे। सिर्फ 1400 टाइगर्स की ही जीन उनके अंदर एक्यूमुलेटेड है, तो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है ना नए एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर हमने बड़े जीन पूल को प्रिजर्व करके रखा होता तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते। ये चीज होती है कि किस तरह से छोटी पॉपुलेशन और बड़े पॉपुलेशन में फायदा या नुकसान हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी म्यूटेशन मे एड अप टू द लार्ज स्केल चेंजेस विच फाइनली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ये जो म्यूटेशन टाइम टू टाइम हो रहे हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअल चेंजेस ही आए ना। म्यूटेशन भी हो रहे हैं तो ग्रेजुअली ऐड हो रहे हैं। डार्विन की थ्योरी ज्यादा सही हुई। आप अगर देखें ह्यूगो डी व्रेज ने कहा कि म्यूटेशन ही सब कुछ है, म्यूटेशन सब कुछ नहीं है। म्यूटेशन होते हैं फिर वो एक्यूमुलेट होंगे। सो नाउ जीन म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। एक ही बेस पेयर में अगर कोई डिफरेंस हो रहा है तो उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ, एडिशन हुआ, डिलीशन हुआ, जिसकी वजह से पूरा फ्रेम चेंज हो गया तो उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। म्यूटेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में, ठीक है। तो आप देख लीजिए पॉइंट म्यूटेशन किसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो गया तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और अगर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हुआ तो फिर वो ग्रॉस म्यूटेशन कहलाता है। या मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कुछ एडिशन हो गया, एक्स्ट्रा कुछ आ गया, या एक न्यूक्लियोटाइड पेयर पूरा डिलीट हो गया तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। ये भी मैंने आपको समझाया है, समझ में आई बात। विवेक आप अपना टाइम काफी वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती की चैट में, आप बहुत ज्यादा एक ही चीज रिपीटेडली बार बार डाल रहे हो, तो मैं बाकी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग कुछ भी ना डालें और सिर्फ विवेक ही डालते रहेंगे तो वो बुरा भी नहीं लगेगा, एक ही चीज रहेगी है ना, तो उसको नेग्लेक्ट करना आसान हो जाएगा।
राइट टुक टुक थैंक यू फॉर द रोजेस। यशिका, आदिति, जानवी, समझ में आ रही है बातें? आगे तो और बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे हमने भी चर्चा कर ली है। जीन रिकॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन, इट अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन, पहला था म्यूटेशन, फिर हमने बात करी जीन रिकॉम्बिनेशन की। देखिए, जीन रिकॉम्बिनेशन भी इवोल्यूशन प्रोसेस में योगदान देते रहते हैं। क्या क्या तरीके हैं जिनसे जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं बच्चों? देखिए, ड्यूअल पेरेंटेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, ड्यूअल पेरेंटेज, ये तो हर टाइम पे हर एक जनरेशन में डालता ही जाएगा कुछ ना कुछ वेरिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा। इसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ था मेंडल का, देखिए वो भी कुछ ना कुछ तो काम आता ही है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है लेकिन बहुत जगह एप्लीकेबल होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंक्ड जीन के केस में नहीं होता है लेकिन बाकी तो काम करता ही रहता है। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, सेल डिवीजन में जो मियोसिस होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर समझते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और रैंडम फ्यूजन ऑफ गेमीट, कोई फिक्स रूल तो है नहीं कि कौन सा गेमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, इट इज अ चांस ऑफ मैटर, तो मैटर ऑफ चांस, चांस ऑफ मैटर नहीं, मैटर ऑफ चांस, है ना, थोड़ा अंग्रेजी को शुद्ध करना जरूरी है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील, और नए नए एलील का फॉर्मेशन होना, ये सब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही होता है। नाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जीन रिकॉम्बिनेशन का क्या फायदा? इट एड्स न्यू एलील एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलील टू द जीन पूल, नए नए एलील परिवर्तन होता रहता है और वो जीन पूल में एड होते जाते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन विच कॉजेज वेरिएशन। अब आप एक चीज देखिए, आज के टाइम पर जो आप लोगों की जेनरेशन है और 50 साल पहले की जो जेनरेशन है उनमें कुछ ना कुछ फर्क है, बड़ा बेसिक सा फर्क है, क्योंकि आप सब नए जमाने में आए, नए नए रिकॉम्बिनेशन आ चुके हैं, तो आप उस माहौल में सरवाइव कर रहे हैं। आप सोचिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आजकल मोबाइल के साथ कैसे बड़ी आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन हुए, सारे उतने नहीं होते फास्ट, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को आप देखते हैं कि वो बड़े तेज होते हैं, मोबाइल वगैरह इन चीजों को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन एक दो दस जनरेशन में नहीं दिखाई देता, हंड्रेड्स ऑफ जेनरेशन में इसका इफेक्ट आता है, तब जाकर के वो एक्सप्रेस हो पाता है। ये देख लीजिए, ये तो आप जानते ही है ना, रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के टाइम पर होता है, ठीक है। नाउ जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जीन फ्लो भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है बच्चों इवोल्यूशन के होने का। तो ध्यान दीजिए, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन तो आप जानते ही है ना। नाउ इफ द माइग्रेटिंग इंडिविजुअल ब्रीड विद इन द न्यू पॉपुलेशन, उसके माइग्रेटिंग इंडिविजुअल जा करके अगले पॉपुलेशन में ब्रीडिंग होती है उसकी, तो द इमिग्रेंट्स विल एड न्यू एलील टू द लोकल जीन पूल ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन में जा करके ये बस रहे हैं वहां पर लोकल पॉपुलेशन में एडिशन होगा ऑर्गेनिजम्स का। अब मान लीजिए क्रोज के बारे में हमने बात करी, क्रो बड़ी दूर दूर तक ट्रेवल कर गए, क्रो को छोड़िए अगर ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन वैसे तो एक ही स्पीशीज है लेकिन हम में भी अलग अलग रेसेस हैं, तो एक जगह के ह्यूमन दूसरी जगह जाते हैं तो मिक्सिंग होती कि नहीं होती एलील्स की या जीन्स की, राइट? आज के डेट में आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में आपको बहुत से मिक्स्ड ब्रीड के लोग दिखाई देंगे। मिक्स्ड ब्रीड का मतलब क्या हुआ? यूरोपियन ब्रीड, अफ्रीकन ब्रीड, एशियन ब्रीड, इनमें मैरिजेस होती हैं तो मिक्स्ड ब्रीड के इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, कुछ वेल अडाप्टेड है कुछ उतने नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलील टू द जीन पूल इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन, इसी को कहते हैं जीन माइग्रेशन। अगर नई एलील आ जाती है जीन पूल में तो वो जीन माइग्रेशन कहलाती है। नाउ समटाइम्स टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज विच वर सेपरेटेड कम टू क्लोज ड्यू टू माइग्रेशन। कभी कभी दो स्पीशीज जो कि सेपरेटेड थे कम क्लोज ड्यू टू माइग्रेशन, दो स्पीशीज जो अलग अलग रहते थे वो माइग्रेशन के द्वारा नजदीक आ सकते हैं, और नजदीक आज आएंगे तो पॉपुलेशन में जीन फ्लो होगा, जीन्स आ रही हैं, एलील्स आ रही हैं, उनका फ्लो हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। नाउ जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन इंटरमिंगल, वो जीन दो पॉपुलेशन की जीन इंटरमिंगल होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, कैसे? थ्रू ब्रीडिंग एंड द रिजल्ट कॉजेज वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ये देख लीजिए बच्चों, जीन माइग्रेशन हो रहा है, जीन फ्लो, ये देख लीजिए, ये अलग पॉपुलेशन है और ये अलग पॉपुलेशन है, इसमें ब्राउन वाले हैं, इसमें ग्रीन वाले हैं, एक ब्राउन वाला आ गया जी इधर, अब क्या होगा? एक ब्राउन वाला जब इनके बीच में आ गया, अब इनकी मेटिंग होगी
कुछ टाइम के बाद ग्रीन और ब्राउन मिक्स्ड होंगे। जब ग्रीन और ब्राउन मिक्स्ड होंगे, हो सकता है किसी में कुछ म्यूटेशन हो जाए, ग्रीन और ब्राउन पैचेस वाले प्रोड्यूस हो गए, या कुछ और ही प्रोड्यूस हो गया उनके आपस में क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। सिंपल सी बात है। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको सीवल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताते चल रहा हूं। इन सारे के सारे पॉइंट को अगर आप जैसे जैसे बता रहा हूं ध्यान से सुनते चलेंगे तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपके लिए ग्रिप में आ जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने 10th में भी पढ़ा था। इट इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सम चांस इवेंट और व्हेन द पॉपुलेशन साइज बिकम वेरी स्मॉल। जेनेटिक ड्रिफ्ट के होने के चांसेस या टेंडेंसी तब होती है जब छोटा पॉपुलेशन है। मैंने आपको अभी बताया कि बड़ा पॉपुलेशन ज्यादा वेरिएशन नहीं होने देता, नई प्रजाति नहीं बनने देता, छोटे पॉपुलेशन में इवॉल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इवोल्यूशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान दीजिए, इट इज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन जेनेटिसिस्ट सीवल राइट हु रियलाइज्ड इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को इन्होंने जाना। मान लीजिए कि 10 इंडिविजुअल हैं, ओनली 10 लोग हैं किसी पॉपुलेशन, उन 10 इंडिविजुअल में 4 एक जैसे हैं और 6 एक जैसे हैं। ध्यान सुनिएगा, 60% एक जैसे हैं, 40% एक जैसे हैं, कहीं जा रहे हैं, वही है पूरी की पूरी पॉपुलेशन। जाते जाते कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, बाई चांस जो 60% एक जैसे थे वो बेचारे दुर्घटना में मारे गए। अब कौन बचा? वो 40% ही बचे ना। अब वहीं पर सोच लीजिए, ये 10 लोगों की पॉपुलेशन की जगह 1000 लोगों की पॉपुलेशन होती और 60% लोग एक जैसे होते, 40% एक जैसे होते, 10 के मरने से कुछ फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जब पॉपुलेशन छोटा है तो रिस्क ज्यादा है, जब पॉपुलेशन छोटा है तो रिस्क ज्यादा है, कुचल जाने का रिस्क ज्यादा है, कुचले जाने का रिस्क ज्यादा है। समझ में आ गई बात? अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात समझ गए। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां पर छोटी पॉपुलेशन है, बीटल की पॉपुलेशन है। अब कोई इंसान वहां से निकला, यानी कि हाथी निकला, इंसान निकला, कोई भी निकला, चांस इफेक्ट, आग लग गई, भूकंप आ गया, बारिश हो गई, कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, और देखो ग्रीन वाले बेचारे गलती से सारे मारे गए, अब क्या होगा? ब्राउन वाले ही रहेंगे ना, बन गई नई स्पीशीज। पहले ग्रीन और ब्राउन थे दो तरह के, अब ब्राउन वाले आ गए, उनमें मेटिंग होते होते उनके वेरिएशन एक्यूमुलेट होंगे, कुछ जेनरेशन के बाद, 100-200 जेनरेशन के बाद उनमें डिफरेंस बढ़ गया ना, सीधी सी बात है, डिफरेंसेस बढ़ गए, नई स्पीशीज आ गई। तो इस चीज को इन्होंने सीवल राइट ने ढूंढा। देखिए सीवल राइट इफेक्ट क्या कहता है, ऑल्दो जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशन, इट्स इफेक्ट आर मोर मार्क्ड इन वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। छोटी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ज्यादा इफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ट्राइबल्स हैं, अब आपने सुना होगा कि अंडमान्स में एक ट्राइब रहती है जिसको कहते हैं नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब। उस ट्राइब में कितने इंडिविजुअल हैं कुछ पता नहीं, किसी को वहां जाने नहीं देते, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड में वो जाने नहीं देते, समझ में आई बात? तो उनका, उनके काउंट के बारे में भी नहीं पता और उनकी छोटी सी आबादी है। अब आप सोचिए, अगर किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ बुरा हो उनके साथ, लेकिन एक आइलैंड पे रह रहे हैं, मान लीजिए कभी सुनामी आए, कभी अर्थक्वेक हो, कोई ज्वालामुखी ही फट जाए और बाय चांस वो आइलैंड खतरे में पड़ जाए, खत्म हो गई उनकी प्रजाति, खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो इस वजह से छोटे आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो मेनलैंड से दूर हैं उनमें ज्यादा इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक है फाउंडर इफेक्ट और एक है बॉटल नेक इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक है फाउंडर इफेक्ट, एक है बॉटल नेक इफेक्ट, और ये फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाउंडर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉटल नेक इफेक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना। यहां पर जो जार देख रहे हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इन जनरल। ये देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां पर दो तरह के पॉपुलेशन थे, यहां पर एक टाइप के पॉपुलेशन ड्यू टू सम चांस उनमें कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे प्रीडेटरी बर्ड्स ने किसी को पिक कर लिया, आपने सुना हुआ। तो देख लीजिए ये घटते गए घटते गए घटते गए और एकदम से खत्म हो गए। अब यही पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी होती तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ये पॉपुलेशन छोटी थी तो जल्दी आसानी से वाइप आउट हो गए। नाउ बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की, या फाउंडर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, गौर से सुनिएगा इसको, और बॉटल नेक इफेक्ट भी आज ही बताऊंगा। नाउ फाउंडर इफेक्ट क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसानी आबादी में, इंसानी पॉपुलेशन में इस चीज को जिक्र में लिया जाता है। इट इज नोटेड that when a small group of person called founders leave their home to find a new settlement, कुछ लोग जो founder population है वो अपनी country छोड़ के दूसरे country में चले गए।
मान लीजिए यूरोप में सेटलमेंट चल रहा है और इंडियन एक भी नहीं है यूरोप में मान लीजिए, और दो चार दस लोग जाते हैं इंडिया से या अमेरिका ही चले गए, ठीक है ना, तो इनको फाउंडर कहेंगे। नाउ द पॉपुलेशन इन अ न्यू सेटलमेंट मे हैव डिफरेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, नई सभ्यता में जाएंगे नए इलाके में जाएंगे तो अलग टाइप की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज है ना फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन। तो जो जा रहा है अपना अपनी इलाके को छोड़ करके, अपने नेचुरल पॉपुलेशन को छोड़ करके किसी नए इलाके में दूसरे पॉपुलेशन के साथ मर्ज करेगा वो फाउंडर कहलाएगा, उनको फाउंडर कहते हैं। और इसी इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये नए इंडिविजुअल की आने की वजह से चेंजेस आते हैं, यानी कि जीन फ्लो हो गया एक तरह से। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन फ्लो, है बात की नहीं। तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ? अरे भाई एक जगह से ड्रिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंच गए, यानी कि जरूरी थोड़ी है कि रिमूवल ही होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, एडिशन भी तो हो सकता, राइट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन न्यू सेटलमेंट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। नए सेटलमेंट में जो लोग जाकर के पहुंचे हैं उन्होंने एक नया जीनोटाइप वहां पर बना देना है, ठीक है। और कभी कभी एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ये बंदर देख लीजिए बच्चों, ये बंदर सर्कोपिथेकस लोमामियंसिस, बड़ा अनोखा नाम है इसका, सर्कोपिथेकस लोमामियंसिस, इसको इन जनरल लैंग्वेज में लेसुला कहते हैं, लेसुला मंकी इसको कहते हैं, लेसुला मंकी। अब ये लेसुला मंकी कहां पाया जाता है? लेसुला इसका कॉमन नेम है कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो, आपने नाम सुना होगा कॉन्गो या जायर के नाम से जाना जाता है, कॉन्गो कंट्री में ये बंदर पाए जाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये लेसुला मंकी लोकल पॉपुलेशन के साथ बहुत दिनों से रहता है, लोकल पॉपुलेशन को इनके बारे में पता है सारे लोगों को, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी को पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये एक नई प्रजाति है। इनके बारे में जानकारी हुई 2007 में इनके बारे में जानकारी हुई, इनके ऊपर रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद पता चला कि ये एक नई प्रजाति है जो ह्यूमन सेटलमेंट के साथ बहुत टाइम से रहते रहते बाकी वाइल्ड से आइसोलेटेड हैं, तो एक नई प्रजाति बन गई। और 2012 में फिर इनको क्लासिफाई किया गया, 2012, देख लीजिए कितना रीसेंट डिस्कवरी। और कितने टाइम से रहते थे कॉन्गो में लेसुला मंकी? लेसुला मंकी बड़ा ब्यूटीफुल मंकी होता है, और इनका जो बॉटम होता है, बॉटम मतलब जहां से ये बैठते हैं वहां पर ब्लूइश कलरेशन होता है और हेयर वगैरह नहीं होते, और ये इंसानों से काफी हद तक मिलता जुलता है, कई मामलों में इंसानों से मिलता जुलता है। जैसे इसकी जो आदत है वो भी अनोखी है, अपना खाता पीता मस्त रहता है, किसी चीज की टेंशन नहीं रहता, फाइटिंग वाइटिंग भी बहुत कम करते हैं और बड़े सीधे बंदर होते हैं, आराम से रहते हैं लोगों के बीच में, समझ आई बात। तो लेसुला देख लीजिए कॉन्गो, कॉन्गो में रहने वाला सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो, वहां पर पाया जाने वाला सर्कोपिथेकस लोमामियंसिस बंदर 2007 में तो पता चला इसके बारे में, अब आप क्या कहेंगे? यानी कि नई स्पीशीज थी लेकिन पता नहीं था। ये कैसे नई स्पीशीज? ये फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल है। एक दो बंदर कहीं से आकर के कहीं बस गए और वो वहीं रहने लगे, तो उन्होंने दूसरे जो वहां के लोकल मंकीज थे उनके साथ इनब्रीडिंग करके एक नया ही प्रजाति बना के तैयार कर दी। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये तो थी बंदर की बात, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अभी भी जब से मॉडर्न ह्यूमन आया है, मॉडर्न ह्यूमन तो आप समझ ही गए होमो सेपियंस, तब से लेकर के आज तक कोई इवोल्यूशन की बात नहीं। हाँ चेंजेस आए हैं, वेरिएशंस आए हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर में कुछ इवोल्यूशन हो भी जाए इंसानों के बीच में, हो सकता है, लेकिन वो इवोल्यूशन आप ये मत सोचिए कि आप अपनी लाइफ टाइम में देख लेंगे, लंबे समय में होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होता, और इन मंकीज में भी काफी लंबे समय के बाद ही हुआ है। नाउ कम्स द बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट समझ गए कि कोई एक आबादी से उठ करके दूसरी आबादी में चला गया, वहां पर जीन फ्लो हो गया एक तरह से और वहां नई प्रजाति आ गई। अब बॉटल नेक इफेक्ट की बात करते हैं। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई स्टेबिन्स, स्टेबिन्स ने बॉटल नेक इफेक्ट की बात करी, ये भी एक बॉटनिस्ट है। फॉर एनुअल एंड बाई एनुअल साइकिल फेनोमेना ऑफ डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, होता क्या है कि जब किसी भी पॉपुलेशन की इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो कब होता है? साइक्लिक पैटर्न से होता है, रिप्रोडक्शन हमेशा तो नहीं होता प्लांट में, रिप्रोडक्शन सीजनल होता है, राइट। तो किसी सीजन में हो सकता है रिप्रोडक्शन ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, तो इसका इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंटली देखने को मिलता है उनकी प्रजातियों में, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं। When the population is at decline, जब population घट गई, member number of individual may reduce
to the extent that the small group of population constituting the population become isolated and restricted in distribution. इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक population है, इतने इलाके में रह रही, इतने इलाके में population रह रही और इसके individual भरे पड़े हैं इस इलाके में. ये देखो, इसके individual भरे पड़े हैं इलाके में, ठीक है ना. अब ये देख लीजिए, इसके individual, ये कोई एरिया है जहां पर बहुत से इंडिविजुअल भरे पड़े. अब इनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं. वेरिएशन जैसे मान लीजिए ये एक तरह का वेरिएशन दिखा दिया मैंने, ये एक जैसे हैं, ट्रायंगल वाले एक जैसे हैं, ये ट्रायंगल वाले एक जैसे हैं, या फिर किसी में ऐसे प्लस भी आ सकता है. ये देखो, ये अलग अलग वेरिएशन हैं, ये अलग अलग वेरिएशन हैं, ये अलग अलग वेरिएशन हैं, है ना. इसके बाद और भी किसी में स्क्वायर टाइप का देख लो, जस्ट टू शो द डिफरेंसेस. मैं ये डायग्राम बना रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, ठीक है ना. ये देख लीजिए, अब ये एक बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन किसी कारणवश ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया. डिक्लाइन होना यानी कि घटना शुरू हो गया. इफ इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, मान लीजिए ये इंडिविजुअल गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये 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 गायब हो गया. ये देख लीजिए, देख लीजिए, अगर पॉपुलेशन घट रही है, इतने से इंडिविजुअल रह गए. देखो पहले हमने कितने टाइप के बनाए थे, अब कितने रह गए, घट गए कि नहीं घट गए, आप खुद ही देख लीजिए. So they have reduced drastically or not. अब देख लीजिए कितने बचे हुए. अब इनको क्या कहेंगे, एरिया तो इनका वही है, लेकिन अब ये आइसोलेटेड हो चुके हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, इनको बाकी जनता के साथ कोई रोल नहीं, जनता बची ही नहीं है. समझ में आई बात? तो इसी चीज को कहते हैं बॉटल. अब अगला जो जनरेशन में मान लीजिए इनको फिर ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है, तो ये अपने जैसे ही बढ़ाएंगे ना, जो एक्स्ट्रा थे वो तो निकल गए. इसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. कैसे होता है ये देख लीजिए. These are then exposed to random genetic drift resulting in fixation of certain genes. जैसे कि bottleneck effect का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस bottle में बहुत से parent population है. देख लीजिए bottleneck effect क्यों लिया गया? Bottle से effect आया है. Bottleneck effect कैसे आया? यहाँ पर देख लीजिए parent population है यहाँ पर. अब population bottle के अंदर है, packed है उस bottle के अंदर. लेकिन जब bottle से निकलना पड़ेगा, तो bottle की neck जो है छोटी सी है. Neck जो है छोटी सी है. ठीक है, अब जब इसमें से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो थोड़े से इंडिविजुअल आ पाए. देख लीजिए, थोड़े से इंडिविजुअल ही आ पाए. कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, कोई खतरा आ गया उस इलाके में, तो थोड़े से इंडिविजुअल बाहर आ पाए. इनको कहेंगे सर्वाइविंग इंडिविजुअल, क्योंकि बॉटल की नेक सक्री थी. आई बात समझ में? आपने देखा होगा कहीं दुर्घटना होती है, दुर्घटना की जगह में अगर गेट सकरा है तो सारे लोग नहीं निकल पाते. आई बात समझ में? सारे लोग का ना निकलना ही बॉटल नेक इफेक्ट का कारण होता. अच्छा मान लीजिए बॉटल ना होकर के ऐसे सिस्टम होता, ऐसे ऐसे होता, एक बीकर होता. बॉटल नेक ना होकर के बीकर होता, तो बीकर से एक बार टिल्ट करते, बीकर से सारे के सारे निकल आते. ये देखिए, इस बॉटल की जगह अगर बीकर को टिल्ट किया जाता तो एट ए टाइम सारे निकल आते कि ना निकल आते, सारे के सारे ग्लास में पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते. आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है और जेनेटिक ड्रिफ्ट में बॉटल जैसा इफेक्ट, यानी कि सबके बचने की संभावना नहीं है, जस्ट लाइक अ बॉटल, कि बॉटल में से जैसे आप निकालोगे तो एट ए टाइम सब नहीं निकल पाएंगे, कुछ ही निकल पाएंगे. इस तरह का जो इफेक्ट है, इसको नाम दिया गया बॉटल नेक इफेक्ट. अब आप बताइए, बोतल तो इंसान ने बनाई, बॉटल तो इंसान ने बनाई है ना, नेचर ने तो नहीं बनाई है कोई बॉटल. तो ये सिंथेटिक थ्योरी हुई कि नहीं हुई, जहां पर हम बॉटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन को. लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है यहां, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन के जितने इंडिविजुअल हैं सब बोतल के अंदर बंद कर दिए जाएं. बंद नहीं होते, ये एक जगह रह रहे हैं. ये देख लीजिए, और जब बाई चांस यहां से निकल करके भागने की जरूरत आई, तो बिकॉज ऑफ दैट नैरो पैसेज, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में टाइम ही कितना मिलता है. कोई कैटास्ट्रॉफिक भूकंप कहीं आ गया तो क्या सारे लोग भाग जाएंगे? सारे तो नहीं भाग सकते. समझ में आई? समझ आ रहा है? So now bottleneck, यानी कि drastic reduction in population, and then these are the surviving individuals. Surviving individuals, अब जब population को आगे बढ़ाएंगे तो आप देख लीजिए इनके अंदर जो red वाले component थे या brown वाले component थे वो इनमें missing है. ये देखो, और ये surviving individual जब बनाते हैं next generation, तो अब ये next generation क्या हुआ? ये हो गया founder effect, क्योंकि उस बोतल में से कुछ ही निकल के आ पाए थे. तो बॉटल नेक इफेक्ट विल ऑल्सो गिव राइज टू द फाउंडर इफेक्ट. समझ में आई बात? तो फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट दोनों साथ के साथ की बात है. क्लियर? समझ में आ गया दीपक?
माही, स्पाइकर, लवी, सर्जन, अनुराग, मिस्टर सर्जन, क्लियर है? सब समझ में आ गया? सर्जन का पूछना है कि भाई इस बार नीट में क्या आएगा। अरे भाई इवोल्यूशन चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में, इसको तो कोई नकार सकता ही नहीं। आप एनटीए के पेपर सारे के सारे सॉल्व करें, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। लास्ट मोमेंट में मैं आपको फिर सावधान किए देता हूं, इधर उधर ना भटक करके आप अपनी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करें और एनटीए के जितने पेपर हैं उन पेपर्स को बच्चे गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। एनटीए ने जितने पेपर किए हैं आज तक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किस तरह की किसी एजेंसी ने पेपर डालने शुरू किए, और वो भी एक दो दस नहीं, सैकड़ों, हंड्रेड्स की तादाद में डाले जा रहे हैं। तो उन सारे के सारे पेपर्स को देखना बहुत आवश्यक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं। तो आपको समझ में आ गया बॉटल नेक इफेक्ट, यानी कि ड्रास्टिक, जहां पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो कुछ ही इंडिविजुअल वहां पर बच पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत तरह के कैटास्ट्रॉफिक इवेंट धरती में भी हुए, आइस एजेस हुए हैं। कभी आपने कहानियों में सुना होगा कि एक बार ऐसा था कि पानी ही पानी हो गया था पूरी धरती में, कहानी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो भी इस चीज की तरफ इशारा करता है कि जल ही जल था, कुछ लोग बचे, अब उन्हीं की प्रोजेनी है सारे, ऐसी बातें सुनी है ना, तो वो बॉटल नेक इफेक्ट के जैसा ही तो है। आई बात समझ में, गेटिंग द पॉइंट? तो 100 से अधिक तो पेपर आ ही जाएंगे आपके एग्जाम तक, और आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हजारों से अधिक क्वेश्चन तो आ ही गए। तो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द फाउंडर इफेक्ट, इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या था कि कुछ इंडिविजुअल, देख लीजिए कुछ ही इंडिविजुअल तो आ पाए, कुछ ही इंडिविजुअल तो आ पाए, इन्होंने एक नई पॉपुलेशन की रचना करी। ये नई पॉपुलेशन अब फाउंडर इफेक्ट के नाम से जानी जाएगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पॉपुलेशन, जो कि बॉटल नेक इफेक्ट के कारण फाउंडर इफेक्ट यहां पर हो गया। राइट, नाउ बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का फायदा क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एन इवोल्यूशनरी फोर्स, ध्यान दीजिए ये इवोल्यूशनरी फोर्स है। जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचर में चलता रहता है जो कि इवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एन इवोल्यूशनरी फोर्स। नाउ मोस्ट इंटरब्रीडिंग एनिमल पॉपुलेशंस आर स्मॉल, जो ज्यादातर इंटरब्रीडिंग एनिमल पॉपुलेशंस होती हैं वो छोटी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस नहीं होती, इंटरब्रीडिंग है ना। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट हेल्प्स पॉपुलेशन टू बिकम डिफरेंट बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पॉपुलेशन फिक्सेस डिफरेंट जीनोटाइप बाय चांस मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई होते रहते हैं, स्लोली 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 अप्लाई होते रहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, चाहे वो फाउंडर इफेक्ट के रूप में हो, चाहे वो बॉटल नेक के रूप में हो, इसका इंपैक्ट इवोल्यूशनरी प्रोसेस में चलता ही रहता है। ये देख लीजिए जो क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकेंड जनरेशन बना, फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से होते 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 चेंजेस आने शुरू हो गए। ये देखिए पहले 75% था, अभी 71% और 29% हो गए हैं अलग अलग एलील की फ्रीक्वेंसी। तो जब एलील फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों, तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी आता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में भी सारी चीजें लगभग अजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। ध्यान दीजिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे कल, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे। और कल 3 बजे नीट 2020 के एस्पायरेंट के लिए यूट्यूब पर एक बड़ा ही विशेष सेशन लेकर के आ रहा हूं, आप सबको आना है उस सेशन में। समझ में आई बात? तो वो सेशन इज एम्ड एट योर प्रिपरेशन, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, और किस तरह से आप अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके आपकी जो एफिशिएंसी है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, 4 गुना तक तो बड़े आसानी से बढ़ाई जा सकती है आपकी अपनी एफिशिएंसी को इन कुछ ही दिनों के भीतर में। तो वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, आपको उस सेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। यानी कि आखिरी में जो लास्ट इंचेस होते हैं किसी भी पड़ाव के, जो आखिरी के कुछ इंचेस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और वही चीज कल आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो कल 3 बजे आप जरूर आइएगा। हमारे स्पेशल क्लासेस का स्केड्यूल देख लीजिए, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं, तो स्पेशल क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। इनफैक्ट हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप स्पेशल क्लासेस को जरूर देखें, फॉलो करें, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा कि इन फ्यूचर अगर आप डिटेल लर्निंग के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी। ठीक है,
ये रहे हमारे क्लासेस का स्केड्यूल, दीपक सर का स्केड्यूल ये रहा, मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th की बारी, मेरा टाइम टेबल के हिसाब से टाइमिंग आप देख लीजिए 7 PM आई वुड कम एवरी डे, संडे को छोड़ करके 7 PM, और इस संडे को कमिंग संडे यानी कि डे आफ्टर टुमारो शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक एक मैराथन सेशन कर रहा हूं मैं इकोलॉजी सेक्शन के ऊपर। तो इन चार घंटों में 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम इकोलॉजी के चारों चैप्टर जो पूरे के पूरे यूनिट में है उनको डिटेल में समझेंगे। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th की बारी रहती है, ये देख लीजिए 7 PM पर मेरा सेशन रहता है। और कल हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे, तो कल आपको अवश्य आना है सेशन में, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मिस नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं बच्चों, टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू गो टू ब्राउजर और टाइप करिए livedaily.me/chat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/NEET, ये वो फीचर है जिसके द्वारा आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह की प्लेलिस्ट आ जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों सब्जेक्ट के ऑल प्रीवियस लेक्चर्स को व्यू कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिलती है आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। You can interact with us, live poll leaderboard, test series analysis और live doubt clearing session जैसे बेहतरीन फीचर आपकी मदद के लिए यहाँ पर मिलते हैं। Live doubt clearing session after every 3 lecture there is a dedicated doubt clearing session, ध्यान रहे, और उस doubt clearing session में आप अपने सारे doubts clear कर सकते हैं। बच्चों हमारे year long batch courses already running है, तो आप इन batches के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और उम्दा करें। Year long batch courses for class 11th and for class 12th, जो कि NEET 2021 और 2022 के बच्चों के लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कुछ चैप्टर हो चुके हैं, अब ज्वाइन करके कैसे करेंगे? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो 11th का बैच रनिंग है, जैसे ही 11th के टॉपिक कंप्लीट होते हैं हम 12th के चैप्टर वहां स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, और 12th के बैच में जैसे ही 12th के टॉपिक कंप्लीट होते हैं हम 11th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी कि इन ईदर ऑफ द केसेस, और ये बैचेस कभी मर्ज नहीं होते, यानी कि कभी क्लैशेस नहीं होते, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट डे पर चल रहे हो। तो आपको जब दोबारा से हम 11th के बैच में 12th स्टार्ट करेंगे, 12th के बैच में 11th स्टार्ट करेंगे, तब फिर शुरुआत से करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक और बैच स्टार्ट किया हुआ है, कंप्लीट बायोलॉजी बैच मॉर्निंग आवर्स में, तो आप उस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको कराऊंगा, वो बैच कोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कोर्स है और मैं बायोलॉजी उसमें कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। करना क्या, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक किया ये विंडो आ जाएगी। यहां आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे बच्चों 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इसमें जो प्राइसिंग आती है दैट कम्स अराउंड 1500 rupees पर मंथ, विच इज टू लेस। आप सोचिए 1500 रुपए आप पर डे निकालिए, बहुत कम है, नॉमिनल है ना। तो नाउ विद जस्ट 1500 rupees पर मंथ यू कैन ज्वाइन दिस कंप्लीट कोर्स, 24 मंथ का कोर्स है, और 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग ड्यूरेशन, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू ज्वाइन विद दिस कोर्स। लेकिन जिन बच्चों को मान लीजिए फाइनल अटेम्प्ट देना है 2021 में, वो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ये जो छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है बच्चों, ये क्रैश कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब आप क्रैश कोर्स के टाइम के उसमें आएंगे बीच में तब कर लीजिएगा। अब नीट 2020 के लिए तो क्रैश कोर्स का वक्त बचा नहीं है। चलिए बच्चों यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारी गाइडेंस में आए। तो इस कोड को यूज करते ही आप नीट यूजी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और भी डिफरेंट एजुकेटर, सबके बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। कोड एक फायदे ने, इस कोड को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रेफर कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे नीट पीजी का ही क्यों ना हो, सारे के सारे कोर्सेज के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। कोड एक फायदे अनेक, यूज करिए कोड प्रदीप। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, तुरंत के तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जरूर #NEETLiveDaily के थ्रू शेयर करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चले।
Unacademy, NEET, Unacademy, JEE, Unacademy for 9, 10th, 11, 12th, all are our sister channels. So together, let's crack it. And for joining with Unacademy subscription, use code PradeepLive. मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल एज यू विल बी जॉइनिंग विद ऑल द एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी. दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों. यू ऑल अगेन टुमारो मॉर्निंग 8 AM. तो कल के सेशंस के बारे में बता देता हूँ. सुबह मॉर्निंग 8 AM में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर ह्यूमन फिजियोलॉजी का NCERT सीरीज में चैप्टर हम करने जा रहे हैं. 3 बजे हम आपके लिए एक स्पेशल अनोखा मोटिवेशनल सेशन लेकर के आ रहा हूं. उसके बाद 7 बजे एज यूजुअल हमारा लेक्चर भी होगा. सो दैट इज द टाइम टेबल फॉर टुमारो. और संडे के दिन मैराथन सेशन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक इकोलॉजी सेक्शन के ऊपर चर्चा. स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग. थैंक यू. Thank you.